वेलकम बैक माइकल चेकअप लेक्चर सीरीज 6 में आपका स्वागत है। माइकल चेकअप के अभिनय सिद्धांत के पक्षों पर बात करते हुए हमने पिछली कक्षाओं में कल्पना और एकाग्रता पर बात की विस्तार से। उसके बाद हमने हायर एगो पर चर्चा की। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर पर चर्चा की और उसी सिलसिले में आगे हम लोग चल रहे हैं। इंडिविजुअल फीलिंग्स, व्यक्तिगत अनुभूति, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में आपको याद होगा कि आपको एक जो हम एटमॉस्फेयर वाला चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने एक कल्पना किया था, एक पार्टी की कल्पना की थी, एक पार्टी जो जिसका माहौल, जिसका वातावरण गर्माहट लिए हुए है और जो आनंददायी है, जो मजेदार है, जॉयफुल है, जिस पार्टी का माहौल, जिस पार्टी का एटमॉस्फेयर, उसी पार्टी में एक व्यक्ति है जिसकी प्रेमिका से अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हुआ है और वो व्यक्ति उदास है। तो इस तरह से हमने इसकी एक कल्पना की थी। तो आपको ध्यान होगा कि उस कल्पना के दरमियान हमें दो चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता हुई थी, स्वयं के अतिरिक्त, खुद तो थे ही उस पार्टी में, लेकिन इसके अतिरिक्त हमने दो चीजों पर ध्यान दिया था। एक तो वह वातावरण और दूसरा वह उदास व्यक्ति, उस व्यक्ति की फीलिंग, उसकी अनुभूति, इस पर हमने ध्यान दिया था। इन दोनों ने, अगर आप इस एक्सरसाइज को फिर से ध्यान रखें, फिर से करने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि इन दोनों ने, यानी उस माहौल ने और उस व्यक्ति की उदासी की जो व्यक्तिगत अनुभूति है, इन दोनों ने आपके भीतर की जो अनुभूति है, आपके भीतर का जो अनुभव है, इसको कुछ अधिक बढ़ाया होगा, भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन यह बिना आपसे यह कहे हुआ होगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आपको अलग से, अतिरिक्त रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं हुई होगी, लेकिन आपके भीतर की जो अनुभूति है, इसको इन दोनों ने थोड़ा सा प्रभावित किया होगा, थोड़ा सा बढ़ाया होगा। ये जो है, ये स्टैनिस्लावस्की का जो थ्योरी है, उस थ्योरी में जो पर्सनल मेमोरी की जो थ्योरी है, व्यक्तिगत स्मृति की जो थ्योरी है, उससे भिन्न है। स्टैनिस्लावस्की के व्यक्तिगत स्मृति में कहा जाता है कि आप कल्पना करें कि आप अगर इस चरित्र की परिस्थिति में होते तो क्या करते, क्या महसूस करते। यहां यह नहीं कहा जाता है कि आप उस चरित्र के परिस्थिति में होते तो क्या महसूस करते, बल्कि यह कहा गया कि आप यह अनुभूत करें कि वे कौन सा, वह कैसा अनुभव कर रहा था, वह कैसा महसूस कर रहा था, वह चरित्र कैसा महसूस कर रहा था। तो ये एक फर्क है, लेकिन सवाल यह है कि मैं कैसे महसूस कर, मैं कैसे कल्पना कर सकता हूं किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति को, जबकि मैं उस स्थिति में नहीं था। तो वो एक कहावत है ना, जिसके पैर ना फटे बिवाई, वो का जाने पीर पड़ाई, जब मेरे पैर में
मैं उस स्थिति में नहीं हूं, मेरे मुझे नहीं पता है जूता पहनने से काटने का क्या दर्द है, मैं उस स्थिति में नहीं हूं, तो कैसे मैं उसकी कल्पना कैसे कर सकता हूं। तो स्टैनिस्लावस्की की पद्धति जब होगी तो क्या यह कहा जाएगा कि एक ऐसे क्षण को याद कीजिए जब हमने वैसा ही महसूस किया था, और उस क्षण की अनुभूति को इस व्यक्ति की स्थिति में रूपांतरित करें, ट्रांसफर करें। एक क्षण याद कीजिए जब आप किसी पार्टी में होंगे और आपका किसी से झगड़ा, अपनी प्रेमिका से या किसी से झगड़ा हो गया हो, और फिर उस को इस चरित्र में, इस व्यक्ति में रूपांतरित करें, इस व्यक्ति के स्थिति में, इस चरित्र के स्थिति में ट्रांसफर करें, ऐसा कहा जाता है स्टैनिस्लावस्की की पद्धति में। चेखव को लेकिन ये जो है ना, ये अनुभूति याद करने की जो है, यह याद ठीक से काम करते हुए प्रतीत नहीं होता है। उनको लगता है कि ये ठीक से काम नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। दरअसल एक ही समस्या है जिसे स्टैनिस्लावस्की और चेखव दोनों सुलझाना चाहते हैं वास्तव में, वह यह है कि कैसे अभिनेता अपने मन मुताबिक उस अनुभूति को प्राप्त करे। मतलब कभी कैसे कोई एक्टर अपने मन मुताबिक जब उसे चाहिए तब उस अनुभूति को प्राप्त करे जो प्रदर्शन के लिए, प्रस्तुति के लिए अनिवार्य है। थोड़ा और सहज ढंग से अगर इस पर बात करें तो जैसे हमारे दैनंदिन के जीवन में जब हम एक सिचुएशन में, एक स्थिति में होते हैं तो खुद व खुद हम प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया देते हैं, खुद उस स्थिति में स्वतः प्रतिक्रिया, स्वतः क्या, किस तरीके से हम बोलेंगे, वो मूड, वो भाव, स्वरों का उतार चढ़ाव और सारी अनुभूतियां, सारे अनुभव स्वतः आते हैं, क्योंकि हम उस परिस्थिति में सच में होते हैं और हमारे आसपास की सभी चीजें सच होती है, वो परिस्थिति सच की होती है, उसमें किसी भी तरह का कृत्रिमता नहीं है, और वह परिस्थिति पहले से घटित हुई नहीं है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हो ऐसी बात भी नहीं है। तो वह अछूती प्रतिक्रिया, वह पहला रिएक्शन जैसा, वह अनुभूति जैसा, वह मन के मुताबिक अनुभूति जो प्रदर्शन के लिए, प्रस्तुति के लिए जरूरी है, वो अभिनेता कैसे प्राप्त करे जब चाहे तब, ये सवाल है जिसे माइकल चेखव भी सुलझाना चाहते हैं और उनसे पहले स्टैनिस्लावस्की सुलझाना। तो दोनों की कोशिश इसी को सुलझाने की थी। अब क्या है कि मंच पर जो स्थिति है वह कृत्रिम है, बनावटी है, हम 100 बार रिहर्सल में उसे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले से भी, और नहीं भी पढ़े हो पहली बार भी अगर उसे हम पढ़ और देख रहे हैं तो हमें पता है कि ये कृत्रिम है, ये एक बना, ये एक आरोपित स्थिति है, इसमें सारी घटनाएं सत्य, ये स्थिति जो है वो सत्य नहीं है, वो रियल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जबकि एक बात और है कि मंच के ऊपर हमेशा ही जब हम प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो रियलिटी का एक डायमेंशन हमेशा होता है। जैसे हम होते हैं, हमारा फेलो एक्टर होता है, ऑडियंस होती है, तो ये एक रियलिटी का अलग डायमेंशन होता है। लेकिन जिस सिचुएशन को हम लोग एक्ट कर रहे होते हैं वो रियलिटी के डायमेंशन में ना होकर के वो कृत्रिम होता है। तो ये आर्टिफिशियल नेचर होता है आर्ट का, तो चूंकि नेचर ही आर्टिफिशियल होता है और ये उसकी जो प्रकृति है या जो उसकी
नकली परिस्थिति है तो उसमें जब हम चाहें तब हमारी अनुभूति भाव हमेशा नहीं आती है। कैसे आएगी? वो नहीं आती है वो, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो वो नहीं आती है। जैसा कि यथार्थ जीवन में सच में, सच की परिस्थिति में, रियल के सिचुएशन में आती है। अब स्टैनिस्लावस्की और चेखव दोनों एक ऐसी तकनीक को तलाशना चाहते हैं, एक ऐसी तकनीक को तलाशते हैं कि जिसका प्रयोग पूर्वाभ्यास और प्रदर्शन दोनों में उस भाव, उस अनुभूति, उस फीलिंग के संदर्भ में किया जा सके। ऐसी कोशिश करते हैं स्टैनिस्लावस्की भी और माइकल चेखव भी। चूंकि स्टैनिस्लावस्की ने पहले कोशिश किया जहां माइकल चेखव ने ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेते हुए उन्हें लगा कि ये जो रास्ता है इस रास्ते में थोड़ी कठिनाइयां हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से फिर उसको तलाशने की कोशिश की, तो इस तरह से दो थ्योरी का निर्माण भी हुआ। तो आइए समझते हैं कि दोनों के रास्ते क्या है। दरअसल इसके लिए स्टैनिस्लावस्की जिस पद्धति का विकास करते हैं, जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, वो इमोशनल मेमोरी, भाव स्मृति का तकनीक का उपयोग करते हैं। इस पद्धति का वो, इस टेक्निक का, इस अप्रोच का वो उपयोग करते हैं। और माइकल चेखव इमोशनल मेमोरी के बदले सेंसेशन की चर्चा करते हैं। सेंसेशन जिसको संवेदना कहते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, जिसको ये कहें कि जो जो जो, जो इंद्रियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है, तो इस तकनीक को महत्व देते। दरअसल इमोशनल मेमोरी में चेखव बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो इमोशनल मेमोरी का फंडा जो है, जो जो स्टैनिस्लावस्की जो उनके सिद्धांत की एक तरीके से आत्मा जैसी चीज है, जो एकदम से माना जाए कि जिसके बिना स्टैनिस्लावस्की के सिद्धांत पर काम करने के बाद वो निर्जीव, जो जो प्राण फूंकता है पूरी शरीर में, तो वो भाव स्मृति वाले एरिया पर माइकल चेखव को थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये एक लंबा धीमी प्रक्रिया वाली और उबा देने वाली और डूबने वाली पद्धति है, उसमें आपको डूबना पड़ेगा। और ये संभव है कि यह प्रदर्शन में काम करे, ये पूर्वाभ्यास में काम करे और हूबहू प्रदर्शन में काम ना करे, यह भी पॉसिबिलिटी है इसमें। चेखव कहते हैं कि ये इमोशनल मेमोरी का जो पद्धति या अप्रोच है, मंच की स्थिति में, मंच की स्थिति मतलब जो 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 यथार्थ नहीं है, इसमें मुर्दे को खोद कर निकालने और उसे जीवित करने की कोशिश जैसा है। क्यों? क्योंकि स्टैनिस्लावस्की जो कहते हैं कि एक अभिनेता अपनी याद को, अपनी इमोशनल मेमोरी को फिर से उसे सिचुएशन में अपने भीतर से ढूंढ करके लाए और फिर उस सिचुएशन में फिट करे, तो उसी को लेकर के माइकल चेखव कहते हैं कि अभिनेता एक जिसकी जरूरत है इस सिचुएशन में, जो 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 कृत्रिम सिचुएशन हमारे मंच पर हमको प्रेजेंट करना है कैरेक्टर के तौर पर, तो उसके लिए एक याददाश्त को फिर से याद करता है और फिर से इसे जीता है। दरअसल अभिनेता अपने अवचेतन से उसको, उस याद को जो अवचेतन में दफन हो चुका है, उस याद को वहां से खोद कर निकालता है और उसे जीवित करता है, इस उम्मीद में कि यह याददाश्त हमारी कलात्मक अनुभूति को जागृत करेगा। तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है कि मुर्दे को जीवित करने जैसा काम है ये। दूसरा,
यदि अभिनेता अपने यादाश्त के भंवर में कहीं फंस गया, कोई ऐसी याद है जो बहुत प्यारी है उसके लिए या बहुत दुखदाई है या किसी भी तरह की याद, क्योंकि उसकी अपनी याद है, तो उस याद के भंवर में यदि कहीं वह फंस गया जब वह पुनर्जीवित कर रहा है उसे, तब तो वह याद लगातार उसका पीछा करेगी भूत की तरह, पूरे मंच के दरमियान और मंच के बाद भी शायद वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वह जो भाव स्मृति याददाश्त जो जीवित किया जा रहा है वह अभिनेता का है, न कि उस चरित्र का जिसे नाटककार ने लिखा है या जिसे अभिनेता कर रहा है। अब यह भाव स्मृति अभिनेता के जीवन से बहुत जुड़ा हुआ होता है और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। इस प्रभावित करने को माइकल चेखव अप्रिय और बुरा रूप में देखते हैं, कहते हैं कि यह जो प्रभावित करेगा यह अनप्लेजेंट होगा, अप्रिय और बुरा होगा। क्यों चेखव इसे अप्रिय और बुरा क्यों कहते हैं, मानते हैं भाई? क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि दर्शक अभिनेता को पीड़ित होते नहीं देखना चाहता है। मान लीजिए कि एक दृश्य है नाटक में जिसमें कि चरित्र का पिता मर गया और अभिनेता अपने याद में जाकर के, अपने भाव स्मृति में जाकर के अगर उसके पिता सचमुच में मरे हुए हैं, तो उस पिता के मृत्यु के भाव को फिर से वो अपने अवचेतन से ढूंढ करके और फिर से उसे जागृत करता है, तो वो जो पीड़ा है वो चरित्र की पीड़ा नहीं उस अभिनेता की पीड़ा हो जाएगी और जिसे दर्शक देखने के लिए नहीं आता है। दर्शक आता है किस बात के लिए? वो एक कलात्मक घटना को देखने आता है, आर्टिस्टिक इवेंट को देखने के लिए आता है, और वो एक विशेष अनुभूति की उम्मीद रखता है जिसे माइकल चेखव आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस कहते हैं, जिसे कलात्मक सुगंध कहते हैं। कहते हैं कि दर्शक को चाहिए कलात्मक सुगंध, एक आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस, इसी अनुभूति का, इसी अनुभव का वो उम्मीद रखता है दर्शक। ये नहीं चाहता है कि वो एक्टर जो मंच पर है वो अपनी पीड़ा, उसको पीड़ा में बिल्कुल नहीं देखना चाहता। दर्शक तो एक तरफ स्वयं को कथा में, वहां जो मंच पर हो रहा है प्रदर्शन में, खुद को डुबा भी देना चाहता है, और दूसरी तरफ हमेशा यह भी चाहता है कि मंच पर जो हो रहा है वो काल्पनिक है, ऐसा उसे याद रहे। तो एक साथ दोनों चीजें, उसे हमेशा यह एहसास रहे कि ये जो मंच पर घटित हो रहा है ये काल्पनिक है, और दूसरी तरफ उसमें डूब भी जाना चाहता है। तो इस तरह की स्थिति दर्शक चाहता है, और अगर उस पर अभिनेता ने अपनी भाव स्मृति को प्रस्तुत किया तो वह इवेंट जो होगा वो कलात्मक इवेंट ना होकर के व्यक्तिगत इवेंट रूप में हो जाएगा। तो फिर वो आर्टिस्टिक फ्रेग्रेंस जो है, जो कलात्मक सुगंध है, जो कलात्मक महक है, जिसके लिए दर्शक आता है, वो उसे नहीं मिल पाएगा। तो माइकल चेखव जो ये दर्शक को लेकर के जो ये एक परख प्रस्तुत करते हैं, वो जो असेसमेंट करते हैं, हो सकता है इससे हम असहमत हों, हो सकता है सहमत भी हों, लेकिन इस बात को तो माना ही जा सकता है कि हमारी स्मृति और अनुभूति संभव है कि हमारे प्रदर्शन की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, हो सकता है। और तीसरी बात जो माइकल चेखव कहते हैं भाव स्मृति को लेकर के, वो ये जो बेसिकली दूसरे बिंदु का ही एक्सटेंशन है, उसी को आगे बढ़ाया गया है कि अवचेतन से भाव स्मृति को खोद कर निकालना हमारे ऊपर भारी भी पड़ सकता है।
और हो सकता है हम अपना मानसिक संतुलन भी खो दें। और इसके पक्ष में ली स्ट्रासबर्ग भी नहीं थे, जो भाव स्मृति को बहुत तवज्जो देते थे, फिर भी उनका भी मानना था कि एक मुश्किल काम है और बहुत सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि ये भाव स्मृति जो है आपको महंगा पड़ सकता है, आपको साइकेट्रिस्ट तक के पास जाना पड़ सकता है, ये खतरनाक काम हो सकता है। ये माइकल चेकअप भाव स्मृति के संबंध में कहते हैं कि जो जो रास्ता स्टैनिस्लावस्की सुझाते हैं चलने का, जब मंच पर सच में उस अनुभूति को जो अभिनेता प्रस्तुत करे उस कृत्रिम परिस्थिति में भी, तो कैसे उसके लिए जो स्टैनिस्लावस्की ने भाव स्मृति का रास्ता सुझाया तो उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इसके संबंध में माइकल चेकअप ने ये बातें कही। अब तो माइकल चेकअप इसके बदले में अब अपनी तरफ से अपने पद्धति में क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली चेकअप कहते हैं कि ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है कि हम अपने अनुभूति को, अनुभव को भूल जाते हैं कुछ वक्त के बाद, और वह हमारे अवचेतन में दफन हो जाता है, स्वाभाविक है, और वहां जाकर के वह परिवर्तित भी होता है, ट्रांसफॉर्म होता है और छोटा सा हो जाता है, जिसे माइकल चेकअप सेंसेशन कहते हैं या आर्केटाइप कहते हैं। वो जो अनुभूति जो हमने भूल गए और हमारे भीतर वो जा करके अपना रूप बदल करके एक दूसरे रूप में, वो छोटे से रूप में रहता है, तो उसको जो माइकल चेकअप कहते हैं उसको कहते हैं ये सेंसेशन है या आर्केटाइप के नाम से बोलते हैं। दरअसल जो हम अभिनेता इमोशन को, भाव को, स्मृति को, जिसकी आवश्यकता मंच पर है उसके लिए जो हम वहां तक जो पहुंचना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तब दरअसल जिसे हम प्राप्त कर पाते हैं वो सेंसेशन है, वो आर्केटाइप्ड है। हम उस भाव स्मृति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इमोशन मेमोरी को हम नहीं पाते हैं, ऐसा माइकल चेकअप का मानना है। माइकल चेकअप अपने हिसाब से किसी फीलिंग को, किसी भाव तक पहुंचने के लिए एक नए रास्ते की तरफ इशारा करते हुए एक नया रास्ता बताते हैं। वह कहते हैं कि किसी खास एक्शन को एक विशेष, एक खास क्वालिटी के साथ करने का निर्देश देते हैं। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, वो एक्शन बिना कठिनाई का किया जाने वाला एक्शन कुछ भी हो सकता है, और हम इस एक्शन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे सतर्कता पूर्वक कर सकते हैं, कॉशसली, कोमलता से कर सकते हैं, सांत्वना देने के ढंग में कर सकते, हाथ उठाना ही है, इसको हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, विचारपूर्ण कर सकते हैं, उग्र तरीके से कर सकते हैं। तो सहज शब्दों में कहें तो चेकअप के अनुसार जो हम करते हैं वह एक्शन है, व्हाट वी डू दैट इज एक्शन, और जो हम करते हैं वह कैसे करते हैं, हाउ, ये दरअसल क्वालिटी है, ये कैसे करना क्वालिटी है और क्या करना ये एक्शन है। तो आइए, अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग समझने की कोशिश करें। आप अपना हाथ उठाइए, फिर नीचे रखिए, ये क्या है, ये एक साधारण सा शारीरिक गतिविधि है जिसे बिना किसी परेशानी का किया जा सकता है और हम कर रहे हैं।
क्योंकि ये दूसरे तमाम एक्शन की तरह यहां तक हमारी पहुंच है। तो चलिए एक बार फिर से इस एक्शन को दोहराते हैं। हाथ उठाइए और नीचे कीजिए, हाथ उठाइए और नीचे कीजिए, लेकिन इस बार थोड़ा अलग करते हैं। इसमें एक क्वालिटी, एक गुण का प्रयोग करते हैं, जैसे सावधानी पूर्वक हाथ उठाइए, सावधानी से हाथ उठाइए। मान लीजिए कि हमने जिस गुण का चुनाव किया वो सावधानी ही था, तो हम सावधानी पूर्वक हाथ उठाते हैं। तो क्या आपने इसको जो किया ये आसानी से नहीं कर पाए? उसी तरह से जब जैसे बिना क्वालिटी के हम हाथ उठाने का एक्शन कर रहे थे, अब इसको बार बार कीजिए और देखिए, आप इसको अलग अलग क्वालिटी के साथ कर सकते हैं। अब यही जो हाथ हमने सावधानी पूर्वक उठाया था, इसमें अब दुख की क्वालिटी जोड़ते हैं, दुख के साथ हाथ उठाते हैं। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन के साथ हाथ उठाना, गुस्से में हाथ उठाना, कोमलता के साथ हाथ उठाना, दया के साथ हाथ उठाना। तो इस तरह से हम अलग अलग क्वालिटी की बार 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 अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, और अलग अलग एक्शन को इन क्वालिटीज के साथ, हाथ उठाना ही नहीं, गर्दन हिलाना, पलक झपकाना, पैर चलाना, कुछ भी एक्शन के साथ हम इस क्वालिटीज को कोशिश कर सकते हैं। तो आप क्या समझ पा रहे हैं? दरअसल इस सारी प्रक्रिया में जो माइकल चेखव कहना चाहते हैं वो ये कि जब एक्शन के साथ हम क्वालिटी जोड़ देते हैं, जब एक्शन के साथ क्वालिटी जुड़ जाता है, तो यह भले ही एक शारीरिक एक्शन ही लगे, को लगता है कि यह एक शारीरिक एक्शन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा भेद है। दरअसल इस शारीरिक एक्शन के ऊपर एक निश्चित मनोवैज्ञानिक रंग, उसका कोट चढ़ा हुआ होता है। यह मात्र शारीरिक एक्शन ही नहीं रह करके मनोवैज्ञानिक स्थिति का एक बारीक परत चढ़ा हुआ एक्शन हो जाता है। तो माइकल चेखव इसे साइकोफिजिकल सेंसेशन कहते हैं। कहते हैं कि वह सेंसेशन जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है, वह साइकोफिजिकल सेंसेशन है। और उसमें क्या है? कुछ खास नहीं है, वो ये है कि हमने एक एक्शन के साथ एक क्वालिटी को जोड़ा और किया, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल कलर जो है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल कोट चढ़ जाता है उस एक्शन के ऊपर। वह थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक स्थिति के को लेते हुए वह एक्शन घटित हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी फीलिंग जो है, जो हमारी फीलिंग है, उसको स्टिमुलेट यानी उद्दीपित, वो उद्दीपित होता है एक क्वालिटी को एक एक्शन से जोड़ने की वजह से। हमारा जो फीलिंग है, जो जो, जो हमारी फीलिंग है, वो स्टिमुलेशन जो है वो एक एक्शन और एक क्वालिटी के जोड़ने से स्टिमुलेट हो जाता है हमारा फीलिंग का। तो वो, और ये काम जो होता है बिना किसी दबाव के होता है। और जो दबाव हम अपनी फीलिंग को पुनः याद करने या बनाने या किसी खास अनुभव जैसे अनुभव के लिए, जिसे हमने पूर्व में किया उसके लिए होता है, तो इस दबाव की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सीधा सीधा वो फीलिंग जो है हमारी क्वालिटी और एक्शन के जुड़ने से स्टिमुलेट हो जाता है, वो उद्दीपित हो जाता है, और इसमें दबाव की जरूरत नहीं होती है।
ये माइकल चेकअप कहते हैं कि संभव है कि एक्शन प्लस क्वालिटी में फीलिंग तक आप नहीं पहुंच रहे होंगे। पहली बार आप जब कर रहे हैं तो एक्शन प्लस क्वालिटी जब आपने यूज किया तो आप फीलिंग तक नहीं पहुंचे, या बहुत मामूली सा, या नहीं के बराबर पहुंचे, या नहीं ही पहुंचे, कोई बात नहीं। यह एक कौशल है, ये स्किल है, और जो अभ्यास की मांग करता है, बार बार अभ्यास की मांग करता है, एक बार में संभव नहीं है। तो आप बार बार इसको कीजिए, एक बार आप अपने क्वालिटी और एक्शन के साथ आगे बढ़ना सीख लेंगे तो आप अपने मनोविज्ञान के बदलाव को भी समझ लेंगे। एक बार आप हाथ उठाना और फिर इसके साथ एक क्वालिटी जोड़ करके हाथ उठाना जब सीख लेंगे तो वो मनोविज्ञान क्या है, वो साइकोलॉजी क्या है, वो भी आप समझना शुरू कर देंगे। और जब ये फेज आप पूरा कर लेंगे तब आप इस क्वालिटी को कि शांत रहते हुए मैं संवाद कैसे बोलूं, ये क्वालिटी को डायलॉग में कैसे, स्पीच में कैसे लेकर के आए, इसकी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। तो इस तरह से पर्सनल फीलिंग जो है, इंडिविजुअल फीलिंग जो है, इसको माइकल चेकअप ने एक आसान और सहज रास्ते से लाने की कोशिश की, जिस पर हमने आज की कक्षा में चर्चा की। अगली कक्षा में और कुछ हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।